गाइस आज हम जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने। किस चीज़ का? बाइक में आ रही है थोड़ी सी दिक्कत। ठीक है, दिक्कत ये आ रही है, कुछ दिक्कत ये है कि इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा हो गया टेढ़ा, तो उसको आज हम कराएंगे सही। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पण सरदार। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। ठीक है, सो गाइस हमने नया ले लिया ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में क्या, दोनों में कौन सा डिफरेंस था ये भी हम बताएंगे आपको। साथ में एक माउंट भी दूसरा लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो ये रहा। ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्यों ये वाला लिया है, वो वाला क्यों छोड़ दिया, टूट भी गया था वो, थोड़ा सा डैमेज हो गया था इसलिए। ठीक है, देख सकते हो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, बाकी इसको और दिखाएंगे और चलते हैं हम सीधा सर्विस सेंटर, बाइक को उठाते हैं। तो आ जाओ फिर। ये खड़ी बाइक और गाड़ी, और ये खड़ी हमारी विंटेज विंटेज बाइक। तो गाइज ये अपनी खड़ी है पीछे जावा। ठीक है, और ये बुलेट निकाली है क्योंकि सिर्फ बुलेट की करानी है। और यहाँ देखो ये वाला सीन होता है, जैसे ये गाय अंदर आ गई है, चल हट हट चल। ये देखो यहाँ ये सीन होता है पार्किंग में, गाय बढ़ जाती है हमेशा, इसका बड़ा ना ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो बाइक अपनी निकल गई है, अब निकल रहे हैं हम आगे बाइक स्टार्ट करके। ठीक है, तो हम सीधा आपको सर्विस सेंटर में जाके मिलते हैं, वहाँ क्या बात हुई थी देखते हैं। तो भाई एक ही अपना भाई है, छोटा सा सब्सक्राइबर है, और क्या हाल है, नाम बता दो अपना। तो भाई छोटे गेट से भी घुस गया अब। ठीक है, तो बहुत लेट हो गया, आपको मिलते हैं आगे जाके। तो भाई बाइक हमने दे दी है सर्विसिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए बोल दिया उनको, सालों ने इतना लगा दिया था अलाइनमेंट का, अलग ही रेट लगा दिया था, चैन लुब्रिकेंट लगा दिया और पता नहीं क्या क्या। अब देखते हैं कि जब तक मुझे नहीं वो होगा ना कि हाँ मेरी बाइक ओके हुई है नहीं है, तब तक मैं फिर इनको एक बार ही दूंगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा वो एक तरफ जा रही है। मेरे से ना गड्ढे में गिर गई थी वो गलती से, मतलब वैसे गिरी नहीं थी, लाइक उसका जो था वो गड्ढे में चला गया था एकदम से। तो अब हमें सैम भाई के साथ भाई लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे हो? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने हैं अपने, एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ठीक है, तो दिखाएंगे वो आपको कैसे जाते हैं, कौन से रास्ते जाएंगे वैसे हम। धोला कुआं से होके फिर नारायणा थोड़ा काम है, उसके बाद धोला कुआं होते हुए जाएंगे हम। ओके, तो फिर अब हमें लगाने लेना चाहिए कि रुमाल या मास्क, क्योंकि हम मेन रोड पर आ गए हैं अब, और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सीट बेल्ट भी लगानी जरूरी है, सब लगाते हैं अभी फटाफट, मिलते हैं फिर आपको। तो एट दिस टाइम मैं हूँ नारायणा के अंदर, मैं थोड़ा फ्री बैठा था, सोचा एक आपको नॉर्मल सी नॉलेज वाली बात कर लेता हूँ कि क्या क्या सर्विस में और क्यों इतनी जल्दी सर्विस देनी पड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार जो उसका अलाइनमेंट था वो कैसे हिला, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सारा, और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम सारा चल रहा है, इतना ज़्यादा रोड बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए मुझे वो करना पड़ा। और मेरे फ्रेंड की तो 15 दिन में ही हो गई थी, जहाँ की मेरी 3 महीने बाद हुई है अलाइनमेंट, तो ये दिक्कत दे देती है, नॉर्मल सी बात है। बट यार जो इनकी सर्विस है ना कंपनी की, इतनी घटिया सर्विस मैंने किसी भी कंपनी की नहीं देखी जितनी इनकी कंपनी की है। एक साल भी नहीं हुआ बाइक लेकर, और ये हाल हो गया 3 महीने में काम हो गया। ठीक है, रही बात दूसरी इसकी, एक और चीज़ हमें याद आती है कि यार जैसे कि हमने सर्विस, हम गए हैं वहाँ, बहुत अच्छे से हमसे बात करते हैं, पूछते हैं। पहली सर्विस में इन्होंने सीधा मुझे 3500 का टाका मारा था। ठीक है, इन्होंने कोटिंग करके दी, कोटिंग होती है जो नॉर्मल सी कोटिंग होती है बाइक की, 3M की कोटिंग, साथ में वो भी करते हैं ये जो मशीन से लेके करते हैं, यार मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, साथ में ये वो भी करते हैं। अब इन्होंने कहा था कि जैसे हमने अभी करी है सेकंड टाइम भी आपको वैसे ही करके देंगे। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं गया तो कहते हैं सेकंड टाइम हम सिर्फ चेक करते हैं, जो दिक्कत होती है हम वही करते हैं बस। मेरा मन इतना गालियाँ देने का कर रहा था ना इनको, इतना गालियाँ देने का बहुत ज़्यादा, मतलब ये पहले कस्टमर से पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं यार वो। नॉर्मली हम कहीं भी अलाइनमेंट कराएंगे आराम से 450-400 रुपये में हो जाती है बाइक की, 722 की अलाइनमेंट लिखी है इन्होंने, चैन लुब्रिकेशन लिख दिया 250 रुपये का, 25-30 रुपये का भी नाना हद मार दिया, आप 100 रुपये का लगा लो, उसको 250 रुपये का चैन लुब्रिकेंट कर दिया। मतलब यार इतनी यार लूट मचा रखी हर जगह से। एक तो हमने सोचा था कि हमारे देश के पॉलिटिशियन ऐसे हैं, पर यहाँ तो हर जगह हर बंदा ऐसा है जो कि
ये हाल कर रहा है। तो यार ये बिल्कुल ना फेयर नहीं है, बुलेट का शोरूम जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है और सर्विस सेंटर है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा अनफेयर लेता है ये। मैं यही बात करनी थी, अब देखते हैं क्या बताएंगे ये। 3 बजे का 4 बजे का वादा करा है, अभी 1:30 बज रहा है, तो देखते हैं क्या बताते हैं कि कितना और इसमें काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई हम हैं इस टाइम आश्रम वाली रोड पे और भाई ले रहे हैं इस टाइम ग्रीन चिक चौक से चिकन। ठीक है, ये रहा ग्रीन चिक चौक, तो उठाते हैं यहाँ से चिकन। सैंडविच खा लेगा, कुलचा है, कुलचा सैंडविच दे दो, चिकन देना और मोटे क्या खिला रहा, और क्या क्या लिया? हमने एक लॉलीपॉप लिया है, दो एक लॉलीपॉप लिया, दो बर्गर लिए हैं, बर्गर बर्गर इसको करवा के आप करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। क्या करेंगे, कहना क्या चाहते हो आप? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। भाई साहब बहुत ही मतलब गलत है, मैं ट्राइपॉड लेना भूल गया अपना, अंदर ही पड़ा है, फटाफट उठा लिया। ठीक है, तो घूम रहे हैं जो ये रोड कौन सी है वैसे, आश्रम वाली रोड है कहाँ पे? ये है जीके टू के बाहर निकलते, जीके टू के बाहर निकलते ही। ठीक है, बसंत व्याली रोड है। भाई को ना एक बंदे की लोड है, अगर जॉब चाहिए तो किसी को बताना। कितने ये? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये महीना लेंगे ये सैलरी। ठीक है, संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे, नंबर बताओ 9871222432। ठीक है, इनका आईडी बता दे अपनी, बेदी साहब 58। ठीक है, फॉलो करो भाई को सारे। ये कड़ी इसकी मोटे ही 17-23 गाड़ी, और पीने के लिए लेना कुछ, कौन सी पेप्सी देगा? भाई ने पूरा सिस्टम ना सेट कर रखा है, पूरा सेट। ठीक है, पूरा सिस्टम सेट कर रखा है, ये देखो रोड में हम खड़े हैं यहाँ पे। A few moments later. बुलेट अपनी रेडी हो गई थी, बारिश हो रही है, बड़ी देर से बारिश हो रही है, और बाइक की तो मीटिंग थी यार। बुलेट अपनी रेडी हो गई है, बस कुछ कुत्तों के उंगलों ने यहाँ पर निशान पा दिए हैं, क्योंकि अब बाद में सही कराने पड़ेंगे, पर बारिश हो रही है, अब यही हो गया। The next day. So guys, हम बाइक का काम करवा के आ गए थे वापस। आज रात को मैं नहीं कर पाया व्लॉग शूट, क्योंकि मैं थक गया था बहुत ज्यादा, उसके साथ घूम रहा था, बहुत घूम गया था, कम से कम 200 किलोमीटर से गाड़ी चला दी थी पूरे दिल्ली के अंदर, तो इसलिए मैंने शूट नहीं करा कुछ। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ आज अपनी वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने, लेट हो गया हूँ एज यूजल, जैसे मैं होता हूँ। ठीक है, तो अब सेकेंड डोज आज लग जाएगी, फुली वैक्सीनेट फिर मैं हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप फुली वैक्सीनेट हुए या नहीं हुए तो ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। ठीक है, याद से बताना सबने कौन कौन हो गया है। तो गाइस फिर अब जा रहे हैं वहाँ पर, हरिनगर जाना, कोई जान पहचान का बंदा है तो काम जल्दी हो जाएगा, मैंने कोई बुकिंग नहीं करी, मैंने फ़ोन पर बात करी सुबह और काम हो गया, तो अब जा रहे हैं वहाँ फटाफट। मे भी जावा लेके जाएंगे, क्योंकि बुलेट अभी साफ सुथरी खड़ी है, उस पर अभी काम करवाना है कुछ, तो इसलिए जावा लेके जाएंगे। तो आपको चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। भाई मैंने सेकंड डोज लगवा ली है वैक्सीन की। ठीक है, ये भाई आया था साथ में, कह रहा मैंने भी लगवानी है, तो अपनी बातचीत थी अंदर, तो इसका भी करवा दिया एट अ टाइम काम। अब पी रहे हैं जूस पी रहे हैं, क्योंकि ये घर से कुछ नहीं खा के आया था, बिल्कुल इससे अट्टा ऐसे ही उठा के ले आया था। मैं कहा चल ठीक है, सामने वैक्सीनेशन सेंटर है, तो अब जूस पी रहे हैं यहाँ से। मैंने ऑर्डर करा मैंगो शेक, इसने भी मैंगो शेक, एक हम उनके लिए पैक करा रहे हैं जो अंदर बैठे हैं, जिन्होंने हमारे लिए वैक्सीन लगवा दी मतलब फटाफट। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम से हो गया। अब पैसा बहुत है भाई के पास,
ठीक है, तो आप खा रहे हैं पी रहे हैं, आपको दिखाते हैं फिर आगे अंदर क्या होगा। ठीक है, भाई बैठे हैं अंदर। ठीक है, उसको भी वैक्सीन लगवा दी है, मजे से वैक्सीन उसको भी लगवा दी है। यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है, सेंटर चेक कर सकते हो, स्कूल के अंदर है, हरी नगर में है इस टाइम। ठीक है, तो पूरे मज़े आ रहे हैं भाई, ऐसे ही नहीं ब्लॉगर बन गए। ठीक है, बड़ी मेहनत करी है। तो गाइस अब आ गए हम घर पे, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट हो रहा है, वैक्सीन लग गई है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा क्लोल हो गया था जब मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी, मेरे को बुखार चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस टाइम पूरे खिल रहे पड़े हैं, रेस्ट कर रहे हैं आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तो थैंक यू गाइस, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।